तो ट्रांसफॉर्मेशन दो टाइप के होते हैं, पहला है सोच और दूसरा है अपना बॉडी शेप। सोच को बदलना थोड़ा सा टफ है, लेकिन बॉडी शेप को बदलना कुछ इंसान के लिए चुटकियों का खेल है। हॉलीवुड स्टार क्रिश्चियन बेल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के मामले में सबसे पहले नाम आते हैं। क्रिश्चियन बेल के लिए बॉडी शेप बदलना जस्ट मिली सेकंड का काम है। सोच लिया, समझो और बदल लिया। लेकिन हम भारतीय है, किसी से कम नहीं है। हमारे पास भी एक ऐसा स्टार है, जब जैसा जरूरत होता है ठीक उसी तरह बन जाते हैं। रणदीप हुड्डा, जिसे हम लोग हर फिल्म में अलग अलग बॉडी शेप में देखते हैं। पहला फिल्म सरबजीत, जिसके लिए उन्होंने 20 किलो वजन कम किया था, लेकिन बॉलीवुड के पास इन सब का कोई मूल्य नहीं है। लेकिन ऐश्वर्या राय बच्चन को बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया था, रणदीप हुड्डा को एक भी अवार्ड नहीं मिले। इसीलिए हर बार बॉलीवुड के पास नेपोटिज्म का सवाल आते हैं। तो रणदीप भाई साहब का अपकमिंग मूवी स्वतंत्र वीर सावरकर, जिसका टीजर वीर सावरकर का 140 जन्मदिन पर रिलीज किया गया। इस फिल्म के लिए रणदीप हुड्डा ने 26 किलो मतलब 26 किलो वजन कम किया, जिसका प्रमाण आप लोग टीजर के अंदर देख पाओगे। रियल नहीं है बॉस, लेकिन वीर सावरकर जैसे लग रहा है रणदीप हुड्डा को। टीजर रिलीज होते ही पब्लिक के अंदर एक खलबली मच गया वीर सावरकर के बारे में और भी डीप इंफॉर्मेशन जानने के लिए। ये टीजर एक सवाल भी खड़ा कर दी, हु किल्ड हिज स्टोरी, और गांधी जी का अहिंसावादी सोच सही थे या नहीं, ये सवाल भी खड़ा कर दिया। इस सवाल का भी आंसर है इस फिल्म के अंदर। तो इस ट्रेलर के अंदर एक और डायलॉग भी है जो सुन के आपके अंदर गुजबम्स आने लगेगा। बात अगर किसी की स्वतंत्रता की हो तो रावण का राज हो या ब्रिटिश राज, दहन तो होके रहेगा। हर एक विजुअल एंड डायलॉग को बहुत अच्छे तरीके से सेट किया गया, जिसका पूरा क्रेडिट जाता है एडिटर भाई साहब को। अगर टीजर को एक लाइन में रिव्यू करें तो इसे कहते हैं सुपर फैंटास्टिक ट्रेलर, जिसका ओवरऑल क्रेडिट जाता है डायरेक्टर भाई साहब रणदीप हुड्डा को। यस बॉस, रणदीप हुड्डा इस फिल्म का डायरेक्टर भी है और लीड एक्टर भी है, जिसने वीर सावरकर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। तो बॉस, मेरे वीडियो देख के क्या आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज मेरे को कमेंट करके बोलना, और चैनल में नए आए हो ना तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।